हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील थरो में। मेरा नाम है नास और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जो कि एक यस और नो रीडिंग होने वाली है। हर बार की तरह इस रीडिंग में हम पांच क्षेत्रों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को, कुछ गाइडेंस को चैनल करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ, करियर, लव, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन माने आपके ड्रीम्स, आपके सपने क्या हैं, ठीक है। पेंडुलम का ही इस्तेमाल करूंगी। पेंडुलम के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूँ। यस आया तो यस, नो आया तो नो, डेफिनेटली आया तो माने बिग बिग यस, मे बी अगर आता है तो इसका मतलब है कि डिवाइन अभी नहीं चाहते हैं कि आपके जो प्रश्न है उसका जवाब आपको मिले। शायद वो डिवाइन टाइम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजिस्ट नहीं करेंगे। अगर मे बी आया तो मे बी को ही हम स्वीकार करेंगे, ठीक है। आस्क अ फ्रेंड आता है अगर, तो मैंने व्हाइट व्हील को यूज़ करने का सोचा है, क्योंकि पेंडुलम का दोस्त है ये दोनों ही वैसे जो मेरे व्हील है, रेड व्हील भी इसका दोस्त है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं व्हाइट व्हील को इस्तेमाल करूं। तो आस्क अ फ्रेंड पर हम व्हील से पूछेंगे। और अगर ट्राई अगेन आता है गाइज, ट्राई अगेन, तो मैं सिर्फ एक अटैम्प्ट लूँगी, सिर्फ एक बार और चेक करूंगी। इन केस दोबारा से फिर से ट्राई अगेन आता है, तब यहाँ पर भी हम सरेंडर कर देंगे। यहाँ पर भी सिर्फ कार्ड से देखेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गाइडेंस मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी सरेंडर ही लगेगा, जैसे मे बी पर लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, मैं कुछ नया भी मैंने ऐड किया है इस रीडिंग में। मैं डाइस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये डाइस हमें बताएंगे कि कब तक आपकी आपका जो ये प्रश्न है उसका सवाल जो है आप उसका जो जवाब है वो आपको मिल सकता है, वो टाइम फ्रेम के लिए, यू नो। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और गाइडेंस के लिए ये मेरा मिनी डेक, बहुत ही प्यारा सा डेक है, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया है और आपके प्रश्न आप रेडी रखेंगे। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, हेल्थ के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हेल्थ के बारे में आप सभी का जो भी प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसका हमें क्या जवाब मिलता है पेंडुलम से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, यस वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू, थैंक यू। फोकस, आई नो ये करियर का नहीं, हम हेल्थ का देख रहे हैं, लेकिन मुझे फोकस, वो कह रहे हैं फोकस, फोकस करो। जैसे कोई डिस्ट्रैक्ट है और उसकी वजह से पुअर चॉइसेस हैं उसकी, और उसकी पुअर चॉइसेस का उसकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। कुछ ना कुछ भटकन है गाइज यहाँ पर। ये भी पॉसिबल है कि आपकी हेल्थ इस वजह से भी बुरी है कि आपकी ऊर्जा दूसरों पर ज़्यादा लगती है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे आपके बारे में क्या विचारधारा रखते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो खुद का आवाज़ है वो जैसे दबती जा रही है और उसका आपकी बॉडी के ऊपर असर पड़ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है हमारे पास आस्क अ फ्रेंड। पहले क्वेश्चन पर ही हमें दोस्त की ज़रूरत, वो लाइफ लाइन लेने की ज़रूरत पड़ गई। चलिए वाइट व्हील से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ये अपना समय लेता है तो धैर्य बनाकर देखिएगा। थैंक यू। साउंड हीलिंग गाइज, मुझे घुंघरुओं की छनकार कह रहे हैं वो, तो साउंड हीलिंग बहुत अच्छी रहेगी हेल्थ के लिहाज से। वो बुढ़ा बॉल होती है, अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ बुढ़ा बॉल खरीद दीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं होती वो, और उसकी वो साउंड हीलिंग करनी शुरू कीजिए, चक्रा हीलिंग भी जिसे कहते हैं। वाओ, या ये तो बहुत अपना समय अच्छे से ले रहा है। थैंक यू। आई थिंक ये कहीं ना कहीं इस बात की भी निशानी है कि आप में से जो भी आपका क्वेश्चन है वो तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी में हेल्थ पर जैसे फोकस नहीं है किसी का, हेल्थ पर जैसे ध्यान नहीं है किसी का, हेल्थ को जैसे बहुत ही नज़रअंदाज किया गया है उसको।
जैसे बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, हेल्थ को दी नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आपकी अवेकनिंग हो रही है कि नहीं, हेल्थ भी मेरी पूंजी है, मुझे इसका भी ध्यान रखना है, यू नो। तो ऐसी भी है यहाँ पर अवेकनिंग। यहाँ पर है आंसर नो गाइस, लेकिन देखिए यहाँ पर इस आंसर में जो हमारे लिए गाइडेंस है वो है ट्रांसफॉर्मेशन अवेट्स यू। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो हमें दे रहे हैं, स्कॉर्पियो एनर्जी, वो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा स्थिति में, वो आपका इंतज़ार भी कर रहा है, लेकिन ये नो इस वजह से है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग डिनायल में हैं, उनको लगता है कि यही शायद उनका कर्म है और वो उसको हील करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो क्योंकि वो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है फ्रीक्वेंसी आपकी कि डिनायल में हो आप। तो फ्रीक्वेंसी जैसे वो मैच नहीं कर रही, वो वाइब्रेशन जिसे हम कहते हैं एनर्जी, वो मैच नहीं हो रही। अगेन गाइस, यहाँ ध्यान की कमी है, हेल्थ के लिहाज से यहाँ पर ध्यान की कमी है और उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये चक्र भी हो, क्योंकि यहाँ पर शून्य की भी ऊर्जा है, जीरो अगर आप देखें, जीरो या फिर ओ कह लीजिए लेटर, तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा, और एंजल नंबर 13 है, चार नंबर होता है स्टेबिलिटी का, लेकिन अभी जैसे 1 अलग है और 3 अलग है, तो वो अगेन वो मैच नहीं हुई है चीज़ें, वो जैसे एनर्जी मैच नहीं हो रही। 13 है जो कि बनता तो 4 ही है, लेकिन ये अगर 4-4 आता तो मैं कहती कि स्टेबिलिटी, लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर जैसे वो मैच नहीं हो रहा गाइस। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप डिनायल में जी रहे हो किसी किस्म की। लेट्स सी, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कोई जैसे बहुत ही ना, जैसे किसी को परवाह नहीं कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी आप जो कंज्यूम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, सब चलता है, और उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से यहाँ पर नो एनर्जी है। वो जैसे कह रहे हैं कि नो, ये सही नहीं है जो आप सोच रहे हो, ऐसा आप सब कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। उम्र के लिहाज से भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी हमारी बॉडी, हमारा जो न्यूरो सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, उसके हिसाब से भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोगों की जो OCD होती है वो दरअसल मीठे से कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नमक से प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स, यू नो। लेट्स सी, तो इस नो को मैं इस तरीके से लूंगी कि जो आप डिनायल में हो, ये यूनिवर्स उसके बारे में कह रहे हैं कि नो, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। लेट्स सी, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, रेजिस्टेंस, मैं छू कर देख लूँ कितनी मेरी भरपाई होगी है, या मैं कितना हील हो गया हूँ, और उसकी वजह से हर बार जख्म को छूते हो वो जितना हील हुआ होता है वो फिर से हरा हो जाता है। आई थिंक यहाँ सब्र की कमी है, कुछ लोगों में सब्र की कमी है। आई थिंक ये कुछ लोगों की ये भी निशानी है, क्योंकि हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी आती है, राइट, हमारी इमोशनल हेल्थ भी आती है। तो जैसे एक शख्स है मान लीजिए जो कि आपको बार बार स्ट्रेस आपके जीवन में पैदा कर रहा है, आप उसको लेट गो भी कर देते हो, लेकिन फिर कुछ समय के बाद आप उसको मौका दे देते हो, फिर से वापस आता है, फिर से आपको स्ट्रेस देता है, फिर से हेल्थ खराब हो जाती है। तो यहाँ जो मेन दिक्कत है वो है रूट की, रूट चक्रा किसी का पूरा तरीके से हिला हुआ है, कंट्रोल नहीं है आपका। तो आपको यहाँ पर गाइज, यहाँ पर आपको ना सबसे पहले मेडिटेशन करने से पहले भी वो रेजिस्टेंस से बाहर निकलना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आपको अच्छी सेहत चाहिए या बुरी सेहत चाहिए। यहाँ पर जैसे दो ही ऑप्शन हैं, अच्छी सेहत ले लो, अच्छी सेहत के लिए अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अच्छे एक्शन होने चाहिए। बुरी सेहत लेनी है तो उसके लिए तो कर ही रहे हो जो कर रहे हो, यू नो। तो यहाँ पर पहले डिसाइड करना है, फिर उस थॉट को लेकर हमें मेडिटेशन करनी है, ठीक है। आपका अगला कार्ड देखते हैं, हायरोफेंट, यहाँ पर पितरों की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। अगर आप अपनी हेल्थ में सुधार चाहते हैं तो अगर आप अपने पितरों से प्रार्थना करें स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए कि हाँ हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, अगर किसी कोई हेल्प है आपके लिए, ह्यूमन हेल्प है, तो उसको हमारे जीवन में भेजिए। तो यहाँ पर पितरों का रोल भी रहेगा। ये पॉसिबल है कि ये जो प्रॉब्लम है कुछ लोगों की, ये आपको इनहेरिटेंस में मिली है, या फिर आपके माता पिता से, या फिर ये ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपने पितरों से वो
वो प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि अब इस साइकिल को ख़त्म किया जाए. यू नो, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है बेबी स्टेप्स गाइस. ये रिकवरी में भी समय लेगा. ये जो प्रॉब्लम है हम कलेक्टिव में, जिनका भी ये क्वेश्चन है हेल्थ के बारे में, रिकवरी में समय होगा, क्योंकि ये बेबी स्टेप्स है. यहाँ पर ना तो जल्दबाजी कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये नहीं चलेगा. एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए, उसको अपने उसके साथ काम कीजिए, उस ऊर्जा के साथ, उस उपचार के साथ, और फिर रिजल्ट्स का वेट करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे ही हील हो सकती है. ठीक है, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों मानसिक तौर पर ज़्यादा लग रहा है कि जैसे मानसिक तौर का खेल है, ये दिमाग का खेल है. लेट्स सी कि ये कब तक चीज़ ठीक हो सकती है. थैंक यू वेरी मच. वाओ, कुछ लोगों के लिए जुलाई का महीना ये जो आने वाला है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा रहेगा. उसमें बहुत सारा सुधार आपको देखने को मिल सकता है. यहाँ पर दूसरा है नंबर 6. मुझे इससे जून नहीं लग रहा, मुझे 6 months from now कह रहे हैं. तो कुछ लोगों के लिए 6 महीने का भी समय हो सकता है. और यहाँ पर भी देखिए 6 हैं, और 6 6 जब हम जोड़ते हैं तो वो 12 नंबर बनता है, और 12 को आगे जब जोड़ते हैं वो 3 नंबर बनता है. राइट, 3 नंबर होता है माइंड बॉडी स्पिरिट के बारे में. तो ये जो हेल्थ है ना, इसमें एक पहलू नहीं, इसमें इमोशनल हेल्थ को भी सुधारना है, फिजिकल हेल्थ को भी सुधारना है, मानसिक स्थिति को भी सुधारना है. जैसे ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं. अगर बॉडी में दर्द रहती है तो कहीं ना कहीं दिमाग की आइडेंटिफिकेशन है किसी थॉट के साथ, जो कि पेन बॉडी को मैनिफेस्ट कर रही है. और क्योंकि पेन बॉडी में मैनिफेस्ट है, इमोशनल बैगेज बढ़ता जा रहा है, इमोशनल बैगेज बढ़ता जा रहा है तो दिमाग पर भी असर पड़ रहा है. जैसे सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर. तो यहाँ पर यकीनन 6 नंबर फैमिली के बारे में भी होता है, कुछ लोगों को फैमिली से हेल्प लेने की, जैसा हमने पितरों की यहाँ पर बात की. तो यहाँ कुछ लोगों के लिए जुलाई का महीना, और कुछ लोगों के लिए 6 months from now ये जो प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल सकती है. अगर आप कुछ गाइडेंस को, यू नो, पितरों का आह्वान करें, मेडिटेशन करें, रूट चक्रा के ऊपर काम करें, और बेबी स्टेप्स के साथ आगे बढ़ें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो ये है हेल्थ के बारे में गाइज. अब हम देखते हैं करियर के बारे में. चलिए अब करियर के लिए देखते हैं. थैंक यू वेरी मच. वाओ, ये तो बहुत स्विंग किया, जैसे बहुत ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ वो स्पीड के साथ. लेट्स सी. थैंक यू वेरी मच. वाओ, इसमें वो कह रहे हैं सबकॉन्शियस की पावर लगेगी. करियर के जो भी आपका प्रश्न है, इसमें सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा रोल है. भय हो सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में भय, चिंता, जेलसी भी कुछ लोगों की ब्लॉकेज हो सकता है करियर में. लेकिन डर सबसे ज्यादा, डर है यहाँ पर. वाओ, यहाँ है यस, वेरी गुड गाइस. तो करियर में आपका जो भी प्रश्न है यहाँ पर यस है. लेकिन अगेन, जो मुझे चैनल हुई इन्फॉर्मेशन, फियर, डर, किसी भी किस्म का डर है अगर आपका करियर के बारे में, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें. चलिए आपके लिए कार्ड्स को भी देख लेते हैं अभी. थैंक यू करियर. वन मोर टाइम प्लीज. एंड शून्य. थैंक यू. यहाँ पर है 8 of Souls. सी, ये डर के बारे में ही है. किसी को है कि मुझे कोई हेल्प करेगा तभी मैं रेस्क्यू कर हो सकता हूँ, तब मेरी कोई मदद करेगा. यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन की वजह से वो डिले होता जा रहा है. ये चाहे तो अपने आप यहाँ से मुक्त हो सकती है, इसके पैर तो नहीं बंधे हुए, लेकिन ये वेटिंग में है, वेट करती जा रही है कि कोई आएगा तो मुझे रेस्क्यू करेगा. उससे इसका समय बर्बाद हो रहा है, उससे ये जीवन में पीछे जाती जा रही है, यू नो. तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये है गाइडेंस कि आप समय अगर वेस्ट कर रहे हो उसमें सुधार कर लो. एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम रखो, खुद की मेहनत पर अपनी लेगेसी को बनाने में विश्वास रखो. तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस है. आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि करियर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, अभी आंखों पर पट्टी है, अभी शायद वो अपॉर्चुनिटी भी हिडन है, तो अभी आप नहीं देख पा रहे हो. लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली वो
एक बिगर पिक्चर यू नो उसके साथ जुड़ने की जरूरत है. यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड्स. वाओ, आठ से सीधा फोर, वो पीछे यू नो, जो कि एक्चुअल में हीलिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ये भी सबकॉन्शियस की ही ऊर्जा होती है. अगर आपको पता हो फोर ऑफ सोर्ड्स मेडिटेशन की ऊर्जा, और मेडिटेशन का हमारा जो असर है वो हमारे दिमाग के लिए ही हम करते हैं, ताकि हमारा दिमाग की जो बक 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 चलती है थोड़ी सी शांत हो. आई थिंक करियर में डेफिनेटली यस है, तो वो तो यस है ही कि जो आप चाहते हो वो पूरा ज़रूर होगा. लेकिन यहाँ पर जो साधन दिया जा रहा है वो है मेडिटेशन, कि मेडिटेशन कीजिए. मेडिटेशन से भी आप अपने सबकॉन्शियस के इस फियर को ख़त्म कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन या फिर लेजी अगर हो गए हैं आप, तो उससे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी. खास करके ये स्ट्रेचिंग भी कुछ लोगों के लिए, स्ट्रेचिंग जैसे स्ट्रेचिंग करना अपनी बॉडी को, वो भी बहुत अच्छा रहेगा. शायद एनर्जी आपकी फ्लो नहीं करती है और उसकी वजह से वो नींद आने लगती है या डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं आपको, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी. यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ऑफर्स हैं यहाँ पर गाइस. खास करके अगर आप जॉब की तलाश में हैं, यहाँ पर है एक ऑफर जो कि इमोशनली भी आपको बहुत अच्छा महसूस करवाया, क्योंकि कप्स की ऊर्जा इमोशंस के बारे में ही जानकारी देती है. ये पॉसिबल है कि आपका अगर कोई लव अफेयर या किसी के साथ अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, वो शख्स भी आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है, या आपके लिए मेहनत कर सकता है किसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में, और आपको सरप्राइज कर सकता है कि हाँ मैंने आपके लिए इस जॉब को ढूंढा है. तो कुछ लोगों के लिए ऐसे भी चांसेस हैं. कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है. यहाँ पर जैसे एक बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन की ऊर्जा है, पोटेंशियल बहुत है आप में, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन डर, अगेन अपना कंफर्ट जोन नहीं कोई छोड़ना चाहता, रिस्क नहीं कोई लेना चाहता. बिजनेस की शुरुआत बिना रिस्क के नहीं होती मेरी जान. हमारे हमें जब स्टार्टअप करना पड़ता है थोड़ा सा रिस्क तो हमें लेना पड़ता है, जिसे कैलकुलेटिव रिस्क भी कहते हैं. तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो कह रहे हैं अपने स्केड्यूल पर काम करो. स्केड्यूल पर को साथ लिया तो सक्सेस पक्की है आपकी. सी, यही चीज़ मैं हर बार समझाने की कोशिश करती हूँ, बिना एक्शन के नहीं होगा. आप इंटेंशन सेट कीजिए. यकीनन इंटेंशन सेट करना एक क्रूशियल स्टेप होता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण स्टेप है एक्शन लेना, और बहुत सारे लोग वो ही नहीं कर पाते. इनर वर्क करना है, इनर वर्क कीजिए. आपको कोई प्रैक्टिकल एक्शन लेना है वो लीजिए, लेकिन एक्शन लिए बगैर नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर वही जानकारी है. चलिए अब डाइस से भी देख लेते हैं कि कब तक ये करियर की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सकती है, जो सवाल है आपका उसका जवाब मिलना. लेट्स सी. वाओ, यहाँ तो है आठ नंबर, वही इन्फिनिटी का साइन, और यहाँ पर है तीन और यहाँ पर है सिक्स. तो कुछ लोगों के लिए छः महीने या जून का महीना सिग्निफिकेंट रहेगा इस करियर अपॉर्चुनिटी के लिए. कुछ लोगों के लिए अगस्त का महीना या आठ महीने अब से सिग्निफिकेंट रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए तीन नंबर. ये मार्च का महीने में ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इस महीने में भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आने वाले तीन मंथ्स में कुछ लोगों की ये जो करियर में जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको वो मिल सकता है. ठीक है, 683. ठीक है, तो यार ये है करियर के बारे में मेरी जान, और अब चलते हैं हम लव के बारे में. चलिए लव के बारे में हम सबका जो प्रश्न है देखते हैं पेंडुलम से हमें क्या आंसर मिलता है. थैंक यू वेरी मच. आप जिस भी शख्स के बारे में ये पूछ रहे हैं ना, ये पहले इस तरफ से टकराया, फिर दो बार यहां से टकराया. आई थिंक ये जो भी पर्सन है ये बढ़ रहा है आपकी तरफ, जैसे वो अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ये दो बार इस तरफ से टकराया है, जैसे कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ, बढ़ रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, और तो वैसी ऊर्जा है यहां पर. लेट्स सी. वाओ, यहाँ है मे बी. लव मे हमारे पास है मे बी. तो मैंने जैसे इंट्रो में भी बता रही थी कि अगर मे बी आता है तो हमें क्या करना है, हमें सरेंडर करना है. तो लव के लिहाज में अभी हमें जो डिवाइन आंसर दे रहे हैं कि अभी पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं, अभी सरेंडर लगेगा सिचुएशन में. लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जिस तरीके से वो टकराया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ, अट्रैक्शन जैसे बढ़ रही है.
जो पहले प्यार था जैसे वो आपकी तरफ से तो था ही जो था, लेकिन वो सामने वाले शख्स की तरफ से वो जैसे बढ़ रहा है, लेकिन वो पूरे तरीके से, वो पूरी वजह से फुल मून की ऊर्जा नहीं हुई है, तो उसकी वजह से अभी वो मे भी है, माने कि अभी सरेंडर, अभी सिचुएशन में सरेंडर कीजिए, इन्फॉर्मेशन लेने का भी समय नहीं है, ठीक है। चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time, please. And Shunya. Thank you. Oh my God! यहाँ तो है the sun. यकीन मानिए guys, ये जो मैंने आपको channel message दिया है ना, इसमें विश्वास रखिए। शायद आपके लिए, आपको सरेंडर करने के लिए भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जो मांग रहे हैं उससे कुछ बड़ा आपको देने की तैयारी चल रही है। यहां पर तो सन कार्ड निकला है। सन समझते हैं मतलब खुशियां ही खुशियां, रोशनी ही रोशनी। ये है मंगल होना किसी का, सारे कार्य बनना किसी के, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रेगनेंसी के बारे में, मैरिज के बारे में हमें जानकारी देता है ये कार्ड। तो अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको सरेंडर के साथ काम कीजिए, पुश मत कीजिए चीज़ों को, अपने पर्सन के ऊपर भी किसी भी किस्म का दबाव मत डालिए, जो जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस ख्वाहिश के लिए भी देख रहे हो, दबाव नहीं डालना है। सूरज ने अपने समय पर ही उदय होना है मेरी जान, तो हम सूरज को ऑर्डर नहीं दे सकते कि हाँ अभी और अभी उदय हो जाओ, तुम अभी राइज करो, ऐसे नहीं है, वो तो खुद डिवाइन है, यू नो। तो हमें डिवाइन के साथ काम करना है, डिवाइन के अगेंस्ट काम नहीं करना है। और मुझे तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं अगर हम सरेंडर करते हैं। अगर आप सरेंडर करते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट्स है, ये डेफिनेटली होता है। अगर मैं इसमें बात करूँ ना तो ये डेफिनेटली पर जाएगा अगर सरेंडर के साथ। तो बिग यस यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही सेल्फ लव से भरी हुई ऊर्जा। आई थिंक ये समय कुछ लोगों के लिए इनर वर्क का है, और आपसे जैसे यही कहा जा रहा है अपने पर्सन की जगह खुद के ऊपर ऊर्जा को लगाइए, खुद को निखारिए, खुद को संवारिए, करियर में कुछ नाम, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचिए, ताकि जब आपके पर्सन भी आपके जीवन में आए उन्हें भी आपके ऊपर नाज हो, उन्हें भी प्राउड हो कि वो आप जैसे एक अच्छे शख्स के साथ रिश्ते में हैं, आप जैसे एक अच्छे शख्स को वो प्यार करते हैं, यू नो, उनको भी प्राउड करवाओ। तो यहाँ पर डेफिनेटली करियर पर फोकस रहना, अपने आप के ऊपर फोकस रहना, खास करके अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये लाइट एट्रीब्यूट्स का कार्ड होता है, शैडो का नहीं है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसको फोकस में लेकर आओ, उसके ऊपर काम करो। मैं अक्सर कहती हूँ शैडो वर्क, लेकिन यहाँ पर लाइट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके साथ काम करना है, ठीक है। अगला कार्ड है, कम ऑन यू गाइस, थ्री ऑफ वांड्स। मैंने कहा कोई बढ़ रहा है आपकी तरफ, मैंने पहला मैसेज ही आपको यही दिया है। और देखिए वो मे भी क्यों कहा है, क्योंकि अभी ये किनारे पर नहीं पहुँची हैं, इसको दिख तो रही है कि हाँ शिप्स इसकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें से कौन सी शिप इसकी है, कौन सी शिप इसके पास आकर रुकेगी, कौन सी शिप क्या पता कहीं से मुड़ जाए, तो अभी श्योर नहीं है ना हम, तो इसी वजह से वो मे भी दिया। लेकिन इसमें से एक शिप तो है इसकी, अगर ये सरेंडर कर धैर्य कर बस इंतज़ार करें तो कुछ ना कुछ तो इसकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है गाइज, थ्री ऑफ वांड्स को मैं एक न्यू बिगनिंग के रूप में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। माई गॉड, ये आई होप कि आप भी इसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ही सधी हुई, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी महसूस हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बाग में बैठी हूँ, बहुत ही रिलैक्स कर रही हूँ, नेचुरल नज़ारे को देख रही हूँ, और उसकी वजह से वो रियलिटी के साथ टच में हूँ, यू नो, वो नाव मोमेंट जो होता है। तो बहुत ही रूट चक्रा तो बहुत अच्छा है, जैसे वैसी ऊर्जा है, जैसे रूट चक्रा तो पूरा खिल गया, यू नो, रूट चक्रा में बहुत लोगों की दिक्कत रहती है, लेकिन ये रूट चक्रा खिल गया किसी का। तो या चिंता मत कीजिए, सरेंडर कीजिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं, और जो लाइट एट्रीब्यूट्स के साथ आपको काम करना है उसके ऊपर काम कीजिए। अब देखते हैं कि ये कब तक पूरी हो सकती है, ठीक है, डाइस की मदद से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिक्स नंबर बहुत रहा है यहाँ पर, आई थिंक ये नाइन है, यहाँ पर सिक्स है और यहाँ पर टू है। कुछ लोगों के लिए दो महीनों तक, आने वाले जो दो महीने हैं उसमें आपको लव के बारे में कोई ना कोई आपको डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी।
6 भी है, तो जून का महीना या 6 महीने आने वाले कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेंगे। और ये पता नहीं 9 है या 6 है तो ये 9 6 कुछ लोगों के लिए 69 भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी, अगर ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कुछ लोगों के लिए 6 महीनों तक और कुछ लोगों के लिए 9 महीनों तक। 69 से मुझे ट्विन फ्लेम का ही मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो लव के मामले में ये है हमारे लिए सबके लिए गाइडेंस। और अब हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो चलिए अब हम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है उसके लिए कौन सी गाइडेंस मिलती है। स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर लोगों का यही प्रश्न होता है कि क्या वो सही रास्ते पर हैं या वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है। तो देखते हैं, हालांकि कोई भी और प्रश्न हो सकता है आपका, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर तो है बुलेट यहाँ पर तो जैसे वो टावर मोमेंट है, एकदम से अवेकनिंग होना, किसी की पैराडाइम शिफ्ट। बहुत स्लो गया है ये और बहुत अच्छे से साइकल्स में स्पाइरल हो, जैसे स्पाइरल उस ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। लेट्स सी, तो ये डेफिनेटली कुंडलिनी की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। वेरी नाइस, ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं मुझे, ग्रीन लाइट। लेट्स सी, आस्क अ फ्रेंड। तो यहां पर भी हमें व्हील का इस्तेमाल करना है। एक मिनट रुक जाइए, कभी कभी ये स्विंग करता है, देख लेते हैं। या ये आस्क अ फ्रेंड पर है तो हम व्हील का इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। यस, वी अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। हल्के रंगों के साथ काम करने की, मुझे पेंट ब्रश दिखा रहे हैं वो, और वो जैसे बहुत ही प्रेशर में उसको ब्रश को साफ करने के लिए वो प्रेशर नहीं डालते उसके ऊपर ताकि वो सारा रंग निकल जाए, तो वो जैसे लाइट किया जा रहा है। बहुत डार्क रंग था जैसे ब्रश के ऊपर। तो आप में से कुछ लोगों को हल्के रंगों के साथ काम करने की ज़रूरत है। पेस्टल कलर्स होते हैं ना, शायद आपके कमरे का कलर बहुत डार्क है या कमरे में बहुत चीज़ें हैं, स्पेस कम है, तो सीक्रेट स्पेस को क्रिएट करना। कुछ लोगों के लिए तो डिटॉक्स भी हो सकता है, वो छांटना, यू नो, वो जैसे वो पेंट ब्रश मुझे वो दिखा रहे हैं, तो वो जो उसके ऊपर वो प्रेशर डाला तो वो क्लीन हो गया, तो वो क्लीन करना, डिटॉक्स करना बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किस समय लेता है गाइस, धैर्य रखिएगा। थैंक यू। डेफिनेटली रंग है गाइज, रंगों हल्के रंगों को चूज कीजिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जिस भी यात्रा पर हैं, जैसी भी स्टेज पर हैं। मेरे ख्याल से आपको रंग हल्के रंगों को चूज कीजिए। जैसे रोड से कोई ऊपर उठा, रोड का बहुत रेड कलर होता है, डार्क इंटेंस, तो रोड से ऊपर उठना है किसी को। या यहाँ पर है ओपन योर हार्ट, ये चैनल की नींव है ये स्टेटमेंट, ओपन योर हार्ट। मेरा लाइफ पर्पस है ये, यू नो। तो यहाँ पर ओपन योर हार्ट और एंजल नंबर है 666, शून्य की ऊर्जा और यस है, माने कि अगर आपका जो भी स्पिरिचुअलिटी में प्रश्न है उसका जवाब है यस। मेजॉरिटी में, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों का यही होता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, सही काम कर रहे हैं, यू नो। तो डेफिनेटली यहाँ पर यस है। और गाइडेंस क्या है, ओपन योर हार्ट, हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिए। मैंने कहा भी मुझे ग्रीन लाइट नज़र आ रही है। लेट्स सी, ग्रीन कलर भी उसी का ही होता है। लेट्स सी अभी कब तक ये हो जाएगा। ओह एक्चुअल में पहले मैंने कार्ड्स लेने हैं भूल गई मैं, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। One more time, please.
शून्य. वाओ, यहाँ है नाइट ऑफ कप्स. आई थिंक ये प्यार की वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की. लव यहाँ पर बहुत यूनिवर्सल शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. प्यार की वाइब्रेशन को बढ़ाइए, यूनिवर्स को भी प्यार भेजिए. ये वैसी ऊर्जा है, यूनिवर्स को प्यार भेजिए, वो 100 गुना आपके तरफ वापस आएगा. तो यहाँ पर लव, यू नो, लव हार्ट चक्र अगेन गाइज. हार्ट चक्र में इमोशंस, प्यार, पीस, यू नो, यही सब चीज़ें होती हैं. तो लव की ऊर्जा के साथ काम करना. आप में से कुछ लोग लव जो ये शब्द है इसके साथ भी काम कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, फ्रेम करवा कर इसे अपने किसी घर के ऐसे कोने पर लगा सकते हैं जहाँ पर इसको बार बार आप देखें. वो आपका दिमाग रिकॉर्ड करेगा, सबकॉन्शियस आपका बार बार देखने से, साइलेंट एफर्मेशन बोलते हैं इसे, तो वो बार बार इसको देखोगे तो उसको रिकॉर्ड करेगा, तो वो लव की वाइब्रेशन को बढ़ाएगा. लव एक ऐसा शब्द है जिसकी एक्चुअल में वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, यू नो, जैसे पीस की होती है. मैं कल की रीडिंग में भी यही बात कर रही थी. कुछ शब्द होते हैं जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है. अगर आपको प्यार से कोई, आपको किसी का नाम भी याद आता है, उस नाम के साथ भी आप काम कर सकते हैं, यू नो. अगर आपको प्यार शब्द में कहूँ कि आपको प्यार से क्या याद आता है, मुझे तो मेरी माँ याद आती है, उसके हाथ याद आते हैं, तो मेरे लिए वो सिग्निफिकेंट. मैं उसकी ऊर्जा के साथ भी काम कर सकती हूँ. ऐसे ही आपको भी जिस भी शब्द की ट्रिगरिंग हो प्यार से, आप उसकी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स. क्रिएटिव एक्सप्रेशन. यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी को भी अपनी मेडिटेशन में बदल लेना. जो हमारी क्रिएटिव साइड होती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, जो कि हमारी ऑथेंटिक सेल्फ को भी सामने लेकर आने में, हमारे हिडन टैलेंट्स को भी सामने लेकर आने में हमारी मदद करता है. तो कुछ लोगों के लिए शायद यहाँ पर एक्टिवेशन है कि कुछ एक्टिवेट होना चाहता है, हिडन है अभी, शायद वो पहली स्टेज है शायद उसकी, लेकिन वो समय है जैसे उसके एक्टिव होने का. तो यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कीजिए गाइस. सी, यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, प्यार की ऊर्जा. मैंने आपको पहले ही कह दिया, सोलमेट एनर्जी. सामने वाले अगर प्यार में भी हैं किसी के साथ, तो सामने वाले शख्स को एक इंसान के रूप में नहीं, वो एक जरिया, कि हाँ ये शख्स जरिया बन सकता है मेरे लिए ईश्वर को जानने का, ईश्वर को पहचानने का, ईश्वर के साथ ये जो साधना, मेरी साधना का ये जो बंधन है इसको और गहरा करने का. तो प्यार की ताकत को हम कैसे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 3 कार्ड मुझे यही जानकारी दे रहे हैं. यकीन मानिए ये अपने आप में एक बहुत ही सरल और एट द सेम टाइम बहुत ही गहरा मैसेज है. समझने वाले समझ जाएंगे कैसे हम अपने अपने जीवन में जो प्यार है, जो रिश्ते हैं, उनसे वो ऊर्जा लेकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, ईश्वर के और करीब जाना, यू नो, वो त्याग, समर्पण, यही सब चीज़ें हैं. जिस भी इंसान ने इसको साथ लिया, माने उसने ईश्वर को पा लिया. तो प्यार की ऊर्जा, स्पिरिचुअलिटी में प्यार की ऊर्जा गाइस. यहाँ पर हम आपके डाइस भी देख लेते हैं, देखते हैं कि कौन से मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिहाज से. वाओ, कुछ लोगों के लिए तो 1 महीना, यहाँ पर 1 महीना, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 3 महीने. ये नंबर क्यों बार बार 6? तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 1 महीना, कुछ लोगों के लिए 3 महीने, जब से भी आप इस रीडिंग को देखें, या फिर कुछ लोगों के लिए जून या 6th महीना सिग्निफिकेंट रह सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिहाज से. ठीक है, तो ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में है रीडिंग. और या बहुत अच्छी बात, अब हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में. तो चलिए, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी डिज़ायर, आपके सपने, वो बड़ा बड़ा गोल जिसे कहते हैं, देखते हैं कि उसके बारे में हमें क्या गाइडेंस मिलती है. थैंक यू वेरी मच. ओह, थैंक यू. वाओ गाइस, मुझे पहला मैसेज जो मिल रहा है, जैसे वो मुझे डिसीजन दिखा रहे हैं, डिसीजन, जैसे दो राहनी होती टू ऑफ वॉन्स या टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, ये मोस्टली इस साइड पर ही घूमा है. जैसे एक डायरेक्शन को चूज करना होगा, अगर आपको अपने सपने को, अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है 3D में, तो आप दोनों तरफ नहीं चल सकते, दोनों नाव में पैर नहीं रख सकते, किसी एक नाव को चूज करना पड़ेगा. तो चॉइसेस हैं इस डिज़ायर के मैनिफेस्ट होने में, चॉइसेस हैं. यहाँ पर मुझे फिर से
यही आता है, मुझे लगा कि आस्क अ फ्रेंड आने वाला है, लेकिन यस। तो आपके डिजायर, आपके सपनों के लिए यहाँ पर यस है हमारे पास, वेरी नाइस। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, जो मुझे वो दिखा रहे थे कि चॉइस लीजिए, एक 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 निश्चय कीजिए, निश्चय कर अपनी जीत करो, बिना निश्चय के जीत हो ही नहीं सकती। निश्चय कीजिएगा और फिर उसकी आपको जीत देखने को मिलेगी। तो आंसर है यहाँ पर यस। कार्ड से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू वेरी मच। वाओ, आप में से कुछ लोगों को सिंबल्स के साथ काम करने की जरूरत है। कोई भी सिंबल हो सकता है। मुझे यहाँ पर पता नहीं वो रेनबो दिखा रहे हैं, रेनबो सिंबल, रेनबो सिंबल तो नहीं होता, आकृति है हालांकि, लेकिन सिंबल्स भी हो सकते हैं। लेकिन रेनबो, शायद आप रेनबो टैटू करवाने के बारे में सोच रहे हो। उस टैटू से भी शायद आपको वो बार बार वो टैटू याद दिलाएगा कि हाँ, अपने सपने को जिंदा रखो, अपने सपने को पूरा करो। तो यहाँ पर ट्रिगर चाहिए गाइज। जैसे स्पिरिट कह रही है, इस ये जो सपना है, ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसके पूरे होने में ट्रिगरिंग, एक ट्रिगर चाहिए हम सभी को। और ये पॉजिटिव ट्रिगर है, इसको नेगेटिव नहीं गिनेंगे हम, पॉजिटिव ट्रिगर जो कि बार बार हमें ये याद दिला रहा है कि हाँ, इस सपने को पूरा करना है, ये सपना पूरा हो सकता है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कोई ट्रिगर ढूंढिए, ऐसा कोई ट्रिगर ढूंढना है, ठीक है। सिंबल, जैसा मैंने पहले कहा, सिंबल कुछ लोगों के लिए रेनबो, सात रंग भी, चक्रास के कलर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, चक्रा का पोस्टर भी लगा सकते हैं कुछ लोग अपने इस डिजायर के पूरा होने में। चक्रा का कोई पोस्टर अपने रूम में, और वो पोस्टर, वो तस्वीर आपको बार बार याद दिलाएगी, यू नो, आपके ट्रिगर के लिए, आपके लिए ट्रिगर का काम करेगी। यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स। वाओ, या ये जो सपना है गाइज, ये बड़ा है। इसमें हिम्मत लगेगी, इसमें कहीं कभी हमें सबकॉन्शियस में जाना है, कभी कॉन्शियस में जाना है, कभी हमें प्रैक्टिकल एक्शन लेने हैं, कभी हमें रिट्रीट, रिचार्ज करना है, रेस्ट करनी है। ये यात्रा लंबी है, ये यात्रा लंबी है। तो इसके लिए जैसे वो कह रहे हैं कि तैयारी कर लो। तैयारी कर लो, यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं। मेरे लिए सेवन ऑफ कप्स की ऊर्जा लेयर्स हो जाती है, सबकॉन्शियस की ऊर्जा, तो बहुत सारी परतें हैं इसमें, बहुत चीज़ों को समझना होगा। शैडो को भी जितना समझना है, उतना लाइट को भी समझना होगा, लाइट एट्रीब्यूट्स को भी। स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी वीकनेस को समझिए, ये सब चीज़ें काम आएंगी आपकी इस डिज़ायर के पूरा होने में। आप, ये तो अल्टीमेट है मैनिफेस्टेशन के लिए, इस कार्ड का आना माने बिग यस। यहाँ पर तो यस है, यहाँ पर तो ये बिग यस हो गया, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई। जो चाहिए गाइस, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी डिवाइन टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड कार्ड आ जाता है, ये भी डिवाइन टाइम के बारे में ही बात करता है। ये है साइकिल्स का कंप्लीट होना। साइकिल्स में ईगो फंसती है, कर्म जब जुड़ा हो हमारा, यू नो, वो पॉजिटिव साइकिल भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव साइकिल्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ साइकिल्स की कंप्लीशन होगी, फिर आपकी ये डिज़ायर पूरी होगी। तो बेसिकली ये उसके बारे में है, ये वर्ल्ड वाइड फेम के बारे में भी होता है कार्ड। तो अगर आपकी ऐसी कोई आशा है, ऐसी कोई आपकी उम्मीद है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करें एक पॉजिटिव तरीके से, उसके लिए आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना होगा, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना होगा, ताकि आप समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बने, ना कि बुरा, राइट। और यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। या साइकिल्स, मैंने कहा मून साइकिल्स के आगे यहाँ पर, तो मून साइकिल्स की, मून साइकिल्स बहुत अच्छे रहेंगे। मून जब भी न्यू मून होता है, फुल मून होता है, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को फॉलो करने की, बहुत पावरफुल समय होता है मेरी जान। न्यू मून, खास करके जो फुल मून का समय होता है, बहुत ताकत होती है उसमें। तो उसकी ऊर्जा के साथ काम कीजिए, इंटेंशंस को सेट कीजिए, लेट गो कीजिए, वेलकम कीजिए, लेट गो, वेलकम, लेट गो, वेलकम। मून साइकिल्स इसी के बारे में है। तो मून साइकिल्स के साथ काम करना, और कर्मा रिलीज करते रहना, ये कर्मा रिलीज का भी कार्ड होता है। तो या डेफिनेटली बिग येस है मैनिफेस्टेशन के लिए, लेकिन इसमें लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स। चलिए देखते हैं कि ये कब तक पूरा, इसमें पूरा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा लग रही है मुझे, लेकिन देखते हैं कि महीनों के हिसाब से हमें कब तक, यू नो, कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है इस मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बहुत लंबी यात्रा लग रही है। सी, यहाँ पर है मास्टर नंबर 11, ये भी डेस्टिनी के बारे में ही होता है।
कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली यहाँ पर डेस्टिनी, लाइफ पर्पस के बारे में बात की है, कुछ लोगों ने मैरिज के बारे में बात की है, यहाँ पर भी चार नंबर हैं। कुछ लोग घर लेना चाहते हैं शायद, तो चार महीने में कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। चार महीने का समय, आठ भी हो सकता है लेकिन चार महीने का समय कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी इस डिज़ायर के बारे में, कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई वो की चाहत कि हाँ मैं सही ट्रैक पर हूँ, मेरी ये डिज़ायर पूरी होने वाली है, ऐसा भाव आपकी, ऐसा एक्सपीरियंस आपके जीवन में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो मास्टर नंबर है 11, तो 11 महीने नवंबर का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। वाओ यू गाइस, कितनी इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है ये। मैं सच में खुश हूँ कि मैंने इस रीडिंग को किया। और मैं एक्चुअल में कुछ कमेंट्स को रीड कर रही थी, तो उसमें मुझे ये कहा गया कि प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप एक यस और नो रीडिंग कीजिए। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ इस रीडिंग को करके, एंड आई होप कि आपको भी इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। जो भी विचार हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट्स को रीड करके। और डटे रहिए, काम करते रहिए, इनर वर्क करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, क्योंकि सारे जवाब जो है ना इन्हीं में छुपे हुए हैं। ये तो सिर्फ टूल है, ये टैरो एक टूल है, डाइस एक टूल है, ये एक टूल है। असली गुरु आपके अंदर, आपकी इंट्यूशन जो है वो है, तो उसको, उसके साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है मेरी जान, इस रीडिंग को हम ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।